हैं भारत की वो राजनेता जिन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया। किन छह नेताओं को जनता ने हर बार सर आंखों पर बिठाया। आखिर क्या है इनमें ऐसा खास कि सामने जो आया उसने हमेशा मुंह की खाई। क्या आने वाले समय में कोई इन्हें पछाड़ पाएगा? आइए देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। हिंदुस्तान में इस समय चुनावी हवाएं चल रही हैं, जो कभी किसी पार्टी में ठंडी और ताजगी तो कभी कहीं बवंडर लेकर आ रही हैं। जून में हुआ ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव इस बात का जीता जागता सबूत है कि राजनेता चाहे कितना भी दिग्गज या नया नवेला हो, कुर्सी किसी की भी महफूज नहीं है। लेकिन राजनीति के कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें चुनावी मैदान में आज तक कोई नहीं हरा पाया। चलिए आज आपको ऐसे ही छह अजेय राजनेताओं के बारे में बताते हैं। नरेंद्र मोदी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बीजेपी नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आज तक हर चुनावी पारी अपने नाम करते आए हैं। 2002 में गुजरात के उपचुनाव और फिर राज्यसभा चुनाव, 2007 और 2012 में राज्य के सीएम बनने से लेकर 2014, 2019 और अब 2024 में पीएम बनने तक का सफर सच में अद्भुत है। लोगों की माने तो उनके मजबूत फैसले, दोस्ताना सभाओं, फॉरेन पॉलिसीज जनता पर गहरा असर डालती रही हैं। शरद पवार। तीन बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पहली बार 1984 में पुणे की बारामती सीट से जीत हासिल की थी। बस फिर क्या था, 2009 तक लगातार बिना शिकस्त खाए वो सांसद की सीट पर काबिज रहे और फिलहाल राज्यसभा सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं। करुणानिधि। डीएमके नेता एम करुणानिधि ने 1959 से लेकर 7 अगस्त 2018 में अपनी आखिरी सांस तक इन 49 सालों में बड़ी ही बखूबी से पार्टी प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई। अप्रैल 1957 में पहली बार त्रिचुरी के कुलितलई से राज्यसभा चुनाव लड़कर जीत का सिलसिला शुरू किया, जो 1967 में सैदापेट, 1977 और 1980 में अन्नानगर, 1989 और 1991 में हार्बर और फिर 2016 तक लगातार जीत का ताज पहनते रहे। सोनिया गांधी। हमेशा अजेय चुनावी करियर का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1999 से हर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। यही नहीं बल्कि 2006 में रायबरेली के उपचुनाव में भी उन्होंने झंडे गाड़े थे। ओम बिरला। दो बार लोकसभा स्पीकर की पदवी पा चुके ओम बिरला ने 2003 में अपने होम टाउन कोटा साउथ से राजनीतिक पारी को किक स्टार्ट किया था। स्पीकर बनने से पहले 2008 और फिर 2013 में भी उन्होंने हर चुनाव में जीत कर हैट्रिक बनाई। अमित शाह। भाजपा कैबिनेट में गृह मंत्री का पद संभाल रहे अमित शाह ने सरखेत से 1997 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से लेकर 1998, 2002, 2007 और 2012 के सभी विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक जीत के झंडे गाड़े। यही नहीं बल्कि 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हार उन्हें छू भी नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थे वो छह पॉलिटिशियंस जिनका सिर्फ और सिर्फ जीत से ही नाता रहा है। क्या इनकी ये विनिंग स्ट्रीक आगे भी बनी रहेगी या बदलेंगे हालात और बदल जाएंगे जनता के जज्बात, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चले आइए इंस्टाग्राम के पेज पर और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।